इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि धर्मशाला विधानसभा चुनाव में बीजेपी फंसती हुई नजर आ रही है। दरअसल पार्टी के बागी नेता ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। वहीं आपको बता दें कि टिकट कटने से नाराज थे बीजेपी नेता राकेश कुमार। वहीं 2019 में ही उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि धर्मशाला विधानसभा चुनाव में बीजेपी फंसती हुई नजर आ रही है। दरअसल पार्टी के बागी नेता ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। वहीं आपको बता दें कि टिकट कटने से बीजेपी नेता राकेश कुमार काफी नाराज थे। 2019 में ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि धर्मशाला विधानसभा चुनाव में बीजेपी फंसती हुई नजर आ रही है। दरअसल पार्टी के बागी नेता ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। वहीं आपको बता दें कि टिकट कटने से नाराज थे बीजेपी नेता राकेश कुमार। वहीं 2019 में ही उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि धर्मशाला विधानसभा चुनाव में बीजेपी फंसती हुई नजर आ रही है। दरअसल पार्टी के बागी नेता ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। वहीं आपको बता दें कि टिकट कटने से बीजेपी नेता राकेश कुमार काफी नाराज थे। 2019 में ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी।